कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का कार्यपत्रक आकलन नंबर 15 हल करेंगे। पेज नंबर 106 पर प्रश्न नंबर 1, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर हमें ये पैटर्न दिया हुआ है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये बिंदी देखिए, ये बिंदी 90 डिग्री के कोण पर घूम रही है। सबसे पहले यहाँ, फिर 90 डिग्री में यहाँ, फिर 90 डिग्री और घूमी तो यहाँ आ गई, फिर 90 डिग्री यहाँ। तो अब ये बिंदी अगली बार घूमकर पहली आकृति के जैसे आ जाएगी, फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने पहले पैटर्न को पूरा किया है। अगली में देखिए, यहाँ एक गोला है और इधर दो काले गोले और इधर एक खाली गोला है। तो ये इसे पहली बार घुमाया तो ये ऊपर यहाँ से यहाँ इस शीर्ष पर आ गया, फिर अगली आकृति में इस वाले शीर्ष पर आ गया, अब अगली आकृति में वापस यहीं पर आ गया, फिर एक बार और घुमाएंगे तो ऊपर। तो इस तरीके से हमें दो आगे के पैटर्न पूरे कर लिए। यहाँ देखिए, ये तीन बिंदी हैं और इसी के जस्ट सामने है वर्ग। तो ये तीन बिंदियों को यहाँ देखते हैं कितनी बार घुमाया, एक दो तीन, यहाँ आगे तीन डिब्बे आगे खिसका दिया, फिर इसके सामने वर्ग, फिर ये तीन बिंदी देखते हैं एक दो तीन, यहाँ आगे अगली बार और इसके जस्ट सामने है वर्ग। अब इसे तीन बार घुमाएंगे तो एक दो तीन यहाँ और ये वर्ग सामने, फिर तीन बार एक दो तीन, यहाँ आ गई पहली आकृति के जैसे इसके सामने वर्ग, एक दो तीन यहाँ बिंदी और इसके सामने वर्ग। इस तरीके से हमने ये पैटर्न पूरे किए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हमें पहले इस पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद आगे के खाली स्थानों की हम पूर्ति करेंगे। तो यहाँ देखिए, 17 के हमने दो टुकड़े करे, 7 + 10, 7 और 10 इन दोनों का योग होता है 17। तो 7 के फिर दो टुकड़े करें, 3 + 4, 3 और 4 का योग 7, 10 के 6 + 4 + 6, तो 4 + 6 का योग होता है 10, 7 + 10 का 17। इस तरीके से यहाँ ऊपर वाली संख्या को 2 योग के रूप में तोड़ रखा है। तो अगला पैटर्न हम करते हैं, 4 + 9 करेंगे तो 13 और 9 + 6 = 15, इन दोनों का जोड़ इस ऊपर वाले डिब्बे में, इन दोनों का यहाँ, और 13 + 15 = 28। अब यहाँ देखते 12 और ये 15 12 + 15 = 27 और यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो 8 और प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 12। यहाँ 8 लिख रहा है तो इधर लिख देंगे 7, 8 + 7 = 15। तो इस तरीके से ये पैटर्न भी पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 3, माहिरा ने अपने गुल्लक में जनवरी से मई तक डाले गए रुपयों को एक बार ग्राफ में प्रदर्शित किया है। यहाँ देखिए, 10, 20, 30 ये रुपए दे रखे हैं ग्राफ में और यहाँ महीने दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो जनवरी में माहिरा ने 30 रुपये अपने गुल्लक में डाले, फरवरी में 40, मार्च में 60, अप्रैल में 10 और मई में 20 रुपये उसने अपने गुल्लक में डाले। तो ऊपर दिए गए दंड आरेख को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ दंड आरेख दे रखा है, इसको देखकर हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। माहिरा ने जनवरी माह में अपने गुल्लक में कितने रुपए डाले? तो ये जनवरी माह है, जनवरी में उसने कितने रुपए डाले थे? 30 रुपए। अप्रैल माह में मार्च से कितने कम रुपए डाले गए? अप्रैल में 10 रुपए डाले थे और मार्च में डाले थे 60। तो 60 में से 10 करा, 50 रुपए कम डाले अप्रैल में। माहिरा द्वारा जनवरी से मई तक कुल कितने रुपए जमा किए गए? तो ये 30 + 40 + 60 + 10 + 20, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 160 रुपये टोटल उसने अभी तक गुल्लक में डाले। इस प्रकार हमारा आकलन नंबर 15 पूरा हुआ।